नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रायपुर मारवाड़ उपखंड क्षेत्र के पिपलिया कला में सेवा भारती द्वारा इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी में पिछले 2 माह से सेवा द्वारा अनेक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिसमें गांव के भामाशाह द्वारा आर्थिक सहयोग, बेरे पर निवास करने वाले किसानों द्वारा गेहूं का सहयोग प्राप्त हुआ, सेवा भारती समिति को और सेवा भारती पिपलिया द्वारा गांव में 550 राशन सामग्री के किट वितरित किए, जिसमें दाल, चावल, तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, आटा इत्यादि सामग्री दी। सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए आयुर्वेदिक सैनिटाइजर बनाकर ग्राम में 500 परिवारों में वितरित किया गया। सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लगभग 1000 परिवारों में आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया। इसके अलावा पशु पक्षियों, गायों और वन्य जीवों के लिए भी चारा, फल, परिंदे और जल इत्यादि की व्यवस्था की गई। प्रवासी श्रमिकों और पैदल श्रमिकों के लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था की और वितरण किया। सेवा भारती लगातार जब से लॉकडाउन लगा है तब से किसी न किसी प्रकार के सेवा के काम में लगी हुई है। सेवा के इस महायज्ञ में गांव के भामाशाह गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी बंधुओं का सेवा भारती समिति आभार प्रकट करती है। कोरोना वैश्विक महामारी के लंबे समय तक चलने की संभावना है, इसलिए आगे भी आप सबका सहयोग अपेक्षित है। सभी सेवा के कार्य का संचालन करने के लिए अध्यक्ष घनश्याम मेवाड़ा, मंत्री कांदास वैष्णव, दीपक वैष्णव, गजेंद्र कुमावत, महेंद्र सोनी, जसवंत सिंह, हरीश सोनी, अमित सेणचा, महेश सोनी, प्रकाश मकवाना, रविन्द्र मेघवाल, सुमित विकास सैन, गोविंद वैष्णव, लक्ष्मण जांगीर आदि कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। सेवा भारती काफी वर्षों से संस्था है, जो अभी हमारे देश में कोरोना महामारी फैली तो सभी सेवा भारती संगठन से जुड़े हुए जितने भी स्वयं सेवक हैं, वो अपने तन मन धन से सेवाएं कर रहे हैं। गरीब लोगों को घर घर जाकर किट सामग्री पहुंचा रहे हैं और गरीब लोगों को यहाँ तक अपनी बात का एहसास नहीं हो रहा है कि हमारे देश में वैश्विक जो महामारी फैली है, जो हमें जो आपत्ति आ रही है, उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि सेवा भारती अपने पूरे तन मन धन से काम कर रही है और लोगों तक पहुंचा तक उनकी हर बात, हर समस्या का सोल्यूशन कर रही है। यहाँ तक चिकित्सा व्यवस्था करना, यहाँ तक लोगों के ना जो जानकारी नहीं है उनको लोगों जानकारी पहुंचाना, मास्क बनाकर घर घर वितरित करना। और सेवा भारती हम एक गांव में ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये संगठन काम कर रहा है और लगातार काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर जगह इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है और हमारे गांव पिपलिया कला के अंदर राशन सामग्री लगातार गरीब लोगों को पहुंचा रहे हैं, घर घर जाकर उन लोगों की मदद कर रहे हैं। राशन सामग्री के अंदर उनकी पूरी सामग्री पहुंचा रहे हैं, खाने पीने की और हर सुविधा की। और जहां तक गरीब लोग हैं वो चिकित्सा सुविधा नहीं है तो उनको चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। भाई मनुष्यों को ही नहीं, जानवरों के लिए भी सेवा कर रहे हैं। पशु पक्षियों के लिए दाना, पानी, चूगा लगाना वगैरह, और परिंदे लगाना, और गायों के लिए हरा चारा डालना, रिजगा डालना, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। और मैं भी सेवा भारती के अंदर जो गरीब बच्चे थे उनको पढ़ाती थी, पर COVID-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से अभी बंद है। और वहाँ जो उसके अंदर जो गरीब बच्चे आ रहे हैं उनके माता पिता की भी सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छी सेवा हो रही है। हमारे गांव में अभी 2 व्यक्ति कोरोना वायरस मिले थे तो पूरे गांव को सील करने में इन संस्था ने पूरा सहयोग किया और हर जगह इनकी जागृति फैलाई और जहाँ तक संभव हुआ उन लोगों को भी मदद की। और जो अफवाह फैला रहे हैं उनको भी अफवाह पर प्रतिबंध लगाया और जो कोरोना वायरस है, हकीकत है, उनके बारे में उनको जानकारी प्रदान की और जिससे हमारे गांव सुरक्षित रहे और सब सुरक्षित रहे। सेवा का अर्थ है जियो और जीने दो, यही भावना से सेवा कर रहे। धन्यवाद। सेवा भारती पिपलिया कला कोरोना महामारी के दौरान गांव के अंदर पिछले 2 माह से सेवा के प्रकल्प चला रही है, जिसके अंदर हमने गांव के भामाशाहों के द्वारा सहयोग प्राप्त किया और बेरे पर किसानों से गेहूं प्राप्त किया। इस सेवा प्रकल्प के अंदर हमने गांव के अंदर लगभग 550 परिवारों को राशन किट उपलब्ध करवाए और गांव के अस्पताल के अंदर हमने एक चैम्बर लगवाया सैनिटाइज़र, और सैनिटाइज़र भी आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र गाँव के अंदर उपलब्ध कराया। और अनेक प्रकार के सेवा कार्य जिसके अंदर हमने गायों के लिए, वन्य जीवों के लिए और गांव के अंदर और भी जो भी सहयोग था वो किया। काढ़ा बनाया, लगभग 1500 परिवारों को यहां पर काढ़ा पिलाया गया
बेरों से गेहूँ प्राप्त किया, पक्षियों के लिए परिंडे लगाए। और मैं अंत में यही कहता हूँ कि सेवा भारती जो है इन भामाशाहों का और गांव के गणमान्य लोगों का हार्दिक आभार प्रकट करती है, जिन्होंने हमें सेवा भारती के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करने का मौका दिया। और आपको अब तक कितने किट वितरण कर दिए? अभी तक 550 किट हमने वितरण कर दिए लगभग, और आगे भी जारी रहेंगे जब तक लॉकडाउन जारी रहेंगे, जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा जारी रहेगा।